Hello everyone, this is the third video of Chapter 9, International Trade. Today we are going to start with World Trade Organization. World Trade Organization के बारे में हम सब ने सुना तो है ही. It is one of the important organs of UNO, United Nations Organization. Now we are going to discuss in detail कि World Trade Organization होती क्या है, किस तरह से वो बनी, क्या उसके functions हैं, किस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है एंड ऑल दीज थिंग्स. सो लेट्स सी. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज इट्स हेडक्वार्टर्स. हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड. जेनेवा में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं, मुख्यालय हैं, वो लोकेटेड है, सिचुएटेड है, और उनमें से एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड. नाउ लेट अस कम टू फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शंस हैं टू मेक रूल्स फॉर ट्रेड, सेकंड टू चेंज रूल्स फॉर ट्रेड, थर्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन इट्स मेंबर कंट्रीज. इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. राइट, नाउ लेट अस सी कि वो किस तरह से बनी. स्टार्टिंग में 1948 में GATT जनरल अग्रीमेंट फॉर टेरिफ्स एंड ट्रेड ये बनाई गई थी बाय डिफरेंट कंट्रीज. साथ में आए वो लोग, वो सारी कंट्रीज साथ में आए एंड देन दे मेड दिस पर्टिकुलर दी साइन दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट. ओके, वो चल रहा था एंड देन फाइनली इन 1994 डिसाइड हुआ कि ऐसे एक अग्रीमेंट से नहीं, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे, अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन फॉर लुकिंग आफ्टर प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड. एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही बनानी पड़ेगी, अग्रीमेंट से नहीं होगा. ओके, सो दैट्स वाई GATT वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 1st January 1995. ओके, सो दिस वॉज हाउ GATT बिकेम WTO, हाउ WTO केम इनटू एक्सिस्टेंस. राइट, then functions we already discussed. Now we are going to discuss the demerits of WTO or why WTO is criticized. WTO is criticized for many different reasons. There are some global organizations जो कि WTO को क्रिटिसाइज करती है, और कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए वो क्रिटिसाइज करती है, वो कुछ ऐसे हैं लाइक इट इज़ आर्ग्यूड दैट फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्परस. सेकंड, इट इज़ एक्चुअली वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर बाय मेकिंग रिच एंड पुअर मोर पुअर. देन इन्फ्लुएंशियल नेशंस इन WTO focus on their own commercial interests. Then developed countries have not fully opened their markets to products from developing countries. More arguments are there. It is also argued that issues of health, workers' rights, child labor and environment are generally ignored. So all these are the points which are demerits of WTO, या फिर critical comments on WTO, or why WTO is criticized, on what basis it is criticized. All these questions are answered by these points. Now there are some important 1 mark questions. Do you know, like WTO headquarters,
Geneva, Switzerland. As I told you earlier, Geneva, Switzerland. 149 countries were members of WTO as on December 2005. Whenever you learn such numbers, you should remember the date and year. Okay, agar aap ye dono cheeze mention karenge, then you are pretty sure ki aapka answer galat nahi hoga. Kyunki kya hota hai na, jaise jaise edition badalta hai books ka, to usme fir naya wala text nahi aa pata hai, aur फिर अगर आप टाइम में लिखोगे तो आपके और उसके आंसर में तो डिफरेंस होगा ही. सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि आप अगर याद कर सकते हैं तो रिमेंबर द टाइम एज वेल एज ईयर एज वेल. नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दैट डजंट मैटर मच, बट यू शुड ट्राई टू रिमेंबर इट. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ WTO. Now next is regional trade blocks. Regional trade blocks have come up in order to encourage trade between countries with first geographical proximity, मतलब आस पड़ोस में ही countries होनी चाहिए. Second, similarity and complementarity in trading items. This is second point, similarity and complementarity in trading items. And to curb restrictions on trade of the developing world. जो developing world है यहाँ पर लिख रखा है वो गलत है. That is basically it is right on trade of developing world by the developed world. अब क्या है कि developed world में काफ़ी सारी countries हैं जो कि रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, कुछ बहुत ही अजीब तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं. सो टू स्टॉप दैट रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स आर एनकरेज्ड. और यहाँ पर हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स के नाम हैं और उनके हेडक्वार्टर्स हैं एंड member nations, origin, commodities and other areas of cooperation. This is the information that we have in our table. So what is important is basically regional bloc ke naam, headquarters ke naam aur member nations ke naam. Ye tino important hai for boards aur competitive exam ke liye पूरा इम्पोर्टेंट है. ये पूरी टेबल ही बहुत इम्पोर्टेंट है. सो लेट अस सी आसियान. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आसियान और आसियान. दैट इज नॉट एशियन या एशियन ऐसा तो यू कैन कॉल इट, बट दैट इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. इट इज आसियान. सो लेट अस सी आसियान इज Association of Southeast Asian Nations and headquarters are at Jakarta, Indonesia. Jakarta is the capital of Indonesia. Second is CIS, Commonwealth of Independent States. The headquarter is at Minsk, Belarus. Again, Minsk is the capital of Belarus. Then European Union. The capitals are at Brussels. The headquarters are at Brussels, Belgium. Brussels, capital of Belgium. Then LAIA, Latin American Integration Association. The headquarters is at Montevideo, Uruguay. Then regional bloc, NAFTA, NAFTA. North American Free Trade Association. Then OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. The headquarters is at Vienna, Austria. And finally, the last one is SAFTA, South Asian Free Trade Agreement. So, this is
very, very important in this table, otherwise the whole table is important. Now, there are some concerns that are related to international trade. जैसे जैसे international trade बढ़ रहा है, काफ़ी सारे concerns हैं, काफ़ी सारे analysis हैं, comments हैं जो कि हमको सुनने को मिलते हैं. Now, there are some under this paragraph, in this paragraph, there are some positive points and there are some negative points as well. So, let us see. First is mutually beneficial. So, first we are getting the positive points, mutually beneficial. Second is regional specialization. Third is higher level of production. Fourth, better standard of living. Sixth, worldwide availability of goods and services. Seventh, equalization of prices. Eighth, diffusion of knowledge. So all these are positive points of international trade. Now there are some comments, there are some negative points like dependence on other countries, uneven level of development, exploitation, commercial rivalry leading to wars. Then resources get used up faster than they can be replenished. Marine life is depleting, forests are being cut, river basins are sold, more pollution, there is pollution is rising, and health concerns are not being addressed. So these are the concerns that are related to international trade. With this we end up our third video. Now we'll meet in the next video. If you have got any question, ask in the comment box. So now meet you in the next video with Gateway of International Trade. Till then, take care and bye-bye.